मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हक की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी, और इस हक की लड़ाई में किसी से मरूब होने वाली नहीं है, किसी से डरने या घबराने वाली नहीं है, अपने हक को जरूर रखेगी, चाहे वो CAA हो, चाहे वो NPR हो या NRC हो, अपने हक को रखेगी और अपने बात को रखेगी, और रखते हुए अवाम के लिए काम करेगी, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेगी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द कोरोना वायरस फियर एंड द स्केयर विच इज देयर इन अवर कंट्री एंड आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में यह कोरोना वायरस का खौफ है। तो मैं स्पीकर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि BSE में इस ताल्लुक से भी बात हुई और तय हुआ कि हम इस पर भी बहस करेंगे, मुबाहसा करेंगे, और हुकूमत सारे इकदाम जो कर रही है ये कोरोना वायरस के को टैकल करने के लिए, उसके ऊपर जो जो भी एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने अडॉप्ट की है उसके तफसीलात भी आवाम के सामने लाएंगी। तो और मैं फिर से कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हक की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी, और इस हक की लड़ाई में किसी से मरूब होने वाली नहीं है, किसी से डरने या घबराने वाली नहीं है, अपने हक को जरूर रखेगी, चाहे वो CAA हो, चाहे वो NPR हो या NRC हो, अपने हक को रखेगी और अपने बात को रखेगी, और रखते हुए अवाम के लिए काम करेगी, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेगी। मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मौका मुझे दिया है, और चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने CAA NPR NRC पर एक मुकम्मल बहस का जो वादा किया है ऐवान में, इंशाल्लाह जब वो बहस होगी तो बताऊंगा किस तरीके से दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बताऊंगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट को पीछे कर और इस कानून को आगे बढ़ा दिया गया, किस तरीके से गरीबों का नुकसान होगा, किस तरीके से आवाम को परेशान होना पड़ेगा इन कानून के जरिए। और उम्मीद करता हूं कि जो जो भी बातें हमने अपने इस इजहार तशक्कुर के मोशन में उठाई हैं, इस पर हुकूमत तवज्जो देगी, और मैं गवर्नर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यह कहा है, और जो मोशन जो हुकूमत की जानिब से जो मूव किया गया है इजहार तशक्कुर का, इसकी ताईद करता हूं। शुक्रिया सर।